हेलो वियर्स, अगर आप भी दबीनस, बैक पेन, स्लिप डिस्क या हिप्स पेन या साइटिका की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आज आपको इस सब समस्याओं से निपटने के लिए ऑयल, एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक्सरसाइज बताई जाएगी, जिसे फॉलो करके आपकी ये सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जिनको भी दबीनस, बैक पेन, स्लिप डिस्क या हिप्स पेन या साइटिका की प्रॉब्लम है, उनको ये फॉर्मूला जो इस वीडियो में बताया गया है उसे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि जिनको भी दबी हुई या फिर बैक पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, इन सब के कारण ऐसा होता है एक पैर की नस ब्लॉक हो जाती है और उस पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि वो जो पैर है वो जाम हो चुका है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको भी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फॉलो भी जरूर करिएगा। इसमें जो आपको ऑयल बताया गया है उसे भी लगाना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से हैं, और अगर मैं यह कहूँ कि एलोपैथिक में परफेक्ट मेडिसिन के थ्रू कोई इलाज किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू किसी चीज़ का इलाज नहीं, सिर्फ उसे हिलाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि L1, L5 में जो गैप आ जाता है उसको ठीक करने के लिए परफेक्ट तरीका एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक्सरसाइज ही है। आप इसे जरूर फॉलो करिएगा और इसके बेनिफिट्स लीजिएगा। अब बात करते हैं दबीनस, बैक पेन, हिप्स पेन की प्रॉब्लम में क्या किया जाए। सबसे फर्स्ट आपको ऑयल मसाज करनी है। इसके लिए आपको 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लेना है, यानी कि सरसों का तेल। उसमें आपने 50 से 70 ग्राम तक छिली हुई लहसुन डालनी है और इसे स्लो फ्लेम पर तैयार करना है, यानी बॉयल करना है। इसी ऑयल की आपको मसाज करनी है। ये नर्व सिस्टम को स्ट्रोंग करती है और नसों में ताकत डालती है। इसके अलावा ताकत के लिए, यानी कि नसों को ताकत देने के लिए, आपको शिलाजीत जरूर खाना है। शिलाजीत खाने से बॉडी में ताकत आती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहले आपको क्या करना है, जमीन पर लेट जाना है और अपने हाथ को फैला लेना है और अपने पैरों को सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने लेफ्ट लेग को उठाना है और राइट हाथ के पास ले जाना है और अपने फेस को लेफ्ट साइड पर, ऐसा ही आपने जब राइट लेग को उठा रहे हो तो राइट लेग को लेफ्ट हैंड के पास ले जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, उस समय आपका फेस एक साइड पर होगा। इसी एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा। साइटिका, बैक पेन या फिर कह सकते हैं कि हिप्स पेन, इन सब चीज़ों में। इसके अलावा आपको भुजंगासन जरूर करना है। सेकंड एक्सरसाइज, आपने घुटनों को इकट्ठा कर लेना है, उसी डायरेक्शन में लेग उठानी नहीं है, लेकिन आपने घुटनों को मोड़ना है। ये पोजीशन भी आपने करनी है। फेस को लेफ्ट साइड कर रहे हो तो आपके घुटने होंगे वो राइट साइड पर चले जाएंगे, राइट साइड करते हो तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे। उसके बाद आपने पैरों में थोड़ा गैप करके उसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ये बहुत परफेक्ट है। दिन में 3 से 4 बार खाली पेट जब भी फील करें इसे जरूर करें, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको फिंगर पर एरो दिखाई दे रहा होगा और रेड कलर के काप्स होंगे। ये काप्स पर आपने प्रेस करना है। राउंड शेप में रिंग फिंगर का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको प्रेस करना है दोनों हाथों पर। इसके अलावा सेकंड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपकी इंडेक्स फिंगर को आपने स्पेशली जहां एरो दिखाया जा रहा है और लंबी लाइन लगी हुई है उसको आपने प्रेस करना है। इसके अलावा बैक पेन जो है, जो आपको दिखाया जा रहा है, थंब के जस्ट नीचे एरो बनाकर एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पर प्रेस करना है। और फोर्थ आपको जो दिखाया जा रहा है, जो हमारे थंब के साथ वाली फिंगर, ब्लैक डॉट, आपने उसे प्रेस करना है। ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत परफेक्ट हैं। जिनका एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दर्द कर रहा हो उसे प्रेस करें और आपको रिलीफ मिलेगा। इस वीडियो में आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए गए हैं, योग बताया गया है, मसाज बताई गई है। इस सारे कॉम्बो को आपने जरूर अप्लाई करना है। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है या ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं, प्लीज़ इस ट्रीटमेंट को आप एक बार जरूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है, अगर आपको भी दबीनस, बैक पेन, स्लिप डिस्क,
हिप्स पेन या साइटिका की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल इस हेल्थ वीडियो ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।